और अब हम करने वाले हैं जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाओ, जिससे कि मैं सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एंड आज हम खड़े हैं अपाची आरटीआर 180 के साथ और आज हम इसका रिव्यू करने अपने खेतों में आए हुए हैं, जो हमारे घर के आसपास ही हैं उन खेतों में आए हुए हैं इसका रिव्यू करने घर में, क्योंकि आवाज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। वहाँ भी मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि मेरे रोज़ाना ब्लॉग्स आपके पास जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुँचें। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फुल्ली डिटेल्ड रिव्यू। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने 1,34,000 रुपये की निकाली थी और स्पोर्ट बाइक सेगमेंट में ये सबसे बजटेबल स्पोर्ट बाइक है, तो इसीलिए हम इसको लेके आए थे। और लुक के मामले में ये हमें RTR 164V से अच्छी लगी थी। 2V मॉडल लिया था। इसमें आपको फ्रंट में जो हेडलाइट है हैलोजन मिलेगी, ये DRL है, इसकी LED DRL है, ये चारों इंडिकेटर आगे पीछे चारों आपको हैलोजन मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट टायर 90x90 का मिलेगा। ये वाली जो डिस्क प्लेट है इसमें 270mm की है और ये वाली जो आगे इसमें ABS है, पीछे नहीं है, ये ABS की प्लेट है, ये जो आपको गोल गोल दिख रही है। इसमें जो सस्पेंशन में ये वाला जो कलर है ये RTR 180 में ही आता है, 160 में तो ये ब्लैक आते हैं। और ये वाला जो गोल्डन कलर है, ये जो ब्लैक अलॉय व्हील हैं इनके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है इसका। और चलते हैं इसके इंजन की ओर। और इसमें आपको इंजन SI 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 177.4 cc का इंजन मिलता है आपको। और ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है इसमें। और इसमें 12 लीटर की ये जो पेट्रोल की टंकी है RTR और एक हॉर्स का बैचिंग लगा हुआ है जो इनका लोगो है। और ये वाला ब्लैक कार्बन फाइबर है, अपाची लिखा हुआ है इसमें, इसके अंदर बैटरी रखी रहती है। और ये वाला लॉक है, इसमें से बैटरी निकाली जाती है, इसको लॉक खोल के कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। रियर सस्पेंशन है जो मोनोट्यूब है और इसकी जो पीछे की डिस्क ब्रेक है 200mm की है। इसमें आपको ABS नहीं मिलेगा, पहले 2018 में आती थी लेकिन RTR 200 4B आने के बाद इसमें ABS का ऑप्शन ख़त्म कर दिया था पीछे वाली में। मैं पीछे वाले टायर का साइज 110mm/80 में किक ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन है। ये वाले इसका इंजन किल स्विच है, काफ़ी अच्छे हैं और ये वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो सेल्फ स्टार्ट बटन है इसकी, इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलेगा, ये एनालॉग है और ये डिजिटल मीटर है। इसमें आपको एक टाइम मिलेगा, फ्यूल इंडिकेटर और ये जो कितनी चल चुकी है ये दिखा रही है, लगभग 7,096 में चल चुकी है अभी। और टाइम हो रहा है, टाइम कितना ही हो रहा है क्या, हाँ फिक्स टाइम बिल्कुल फिक्स दिखा रही है, ये 5:06 हो चुकी है शाम के। और इस वाले जो एनालॉग मीटर है इसमें आपको इंजन सिग्नल है ये वाला, ये वाला फ्यूल का है, ये सर्विस सिग्नल है, ये बैटरी का है और ये वाला ABS सिग्नल है। इसमें आपको 5 सिग्नल दिखेंगे। और ये वाला एनालॉग है, RPM मीटर है, ये छोटी सी डिस्प्ले दिख रही है, ये न्यूट्रल सिग्नल है इसका। और इधर आ गया आपका इंडिकेटर सिग्नल और देखो ये हाई बीम लो बीम का है, अभी लो बीम है और अभी हाई बीम है इसकी। ये वाला जो बॉक्स है इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसकी हाई बीम लो बीम की स्विच है, ये पासिंग लाइट की है। और ये इसका हॉर्न है, ये सेल्फ स्टार्ट और हॉर्न एक जैसे हैं, सेम बटन है, ये इंडिकेटर की है। इसका हैंडल 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, इधर इधर और ये बीच में है, ये कसे हुए हैं, इसमें बोल्ट लगे होंगे, देखता हूँ निकाल के। देखो यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं इनमें, इनको खोलने को। इसमें आपको फ्रंट रियर टायर दोनों ही TVS टायर हैं इसमें और दोनों ही ट्यूबलेस हैं। इसकी लुक की वजह से हमने ये खरीदी थी, 4V मॉडल से हमें बहुत अच्छी लगती है 2V मॉडल। और जो अपाची का मजा है सिर्फ इसमें ही है। और इसमें जो स्टिकर लग रहे हैं ये अभी चेंज किए हुए हैं न्यू जनरेशन में, BS6 में, पहले ऐसे नहीं आते थे। और जो ये हॉर्स का लोगो है इसकी टंकी की बहुत ही ज़्यादा लुक बढ़ा देता है, क्योंकि पहले नहीं आता था, अभी बदलाव किया हुआ है तो फुल्ली फेस से लेकर पीछे तक लुक में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखो आप, हमें इसको चलाते चलाते कम से कम 7-8 महीने हो गए और हमें सिर्फ इसमें एक ही कमी लगी थी कि ये 80-90 के ऊपर जाने के बाद थोड़ी थोड़ी हल्की सी वाइब्रेशन होने लग जाती है, तो इसके अलावा हमें और कोई कमी नहीं लगी। ये जो वाइट कलर है सबसे ज़्यादा ट्रेंडी है
और हमें यही वाला पसंद आया था। इसमें एक ब्लू, ब्लैक और ग्रे और वाइट आता है, तो हम इसको वाइट को लेके आए थे और तीनों कलर हमें पसंद नहीं आए थे बिल्कुल। और अब हम करने वाले हैं इसका एग्जॉस्ट टेस्ट, और इसका पूरा एग्जॉस्ट ब्लैक है और इसके ऊपर ये जो लगी हुई है स्टेनलेस स्टील का है और लिखा हुआ है RTR। इसका हमने बिल्कुल भी थ्रोटल नहीं खींचा हुआ है, इसकी जो स्टार्टिंग आवाज़ है यही वाली है। और इसका एग्जॉस्ट नोट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और कमेंट करके हमें बताना कि आपको इसका बहुत ज़्यादा मतलब वेसी और एकदम अलग फील आती है इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन के। इसमें आपको फ्रंट में हैलोजन हेडलाइट और बैक में ये LED है। इसका एग्जॉस्ट नोट तो सुना दिया है, और अब हम इसका फर्स्ट गियर देखेंगे कि फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड तक पहुंच जाएगी ये। और बैठाना पड़ेगा मेरे को अनिकेत मेरे पीछे, क्योंकि अभी मेरे पास हेलमेट नहीं है और हेलमेट का सेटअप मैं 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही लेके आऊँगा। हर बारी ब्लॉग में बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाओ, जिससे कि मैं हेलमेट का सेटअप ला के आपको ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। और करते हैं हम इसका फर्स्ट गियर टेस्ट कि उसमें कितनी चली जाएगी ये। हट जाओ पीछे थे, ये है न्यूट्रल और हमने इसमें फर्स्ट गियर डाल दिया है। अब इसकी टॉप स्पीड तो मैं टेस्ट नहीं करूँगा, मैंने आपको फर्स्ट गियर का टेस्ट दिखा दिया है इसका। सो गाइज, मैंने हमारी जो अपाची RTR 180 है उसका फर्स्ट गियर टेस्ट पे एंड किया था, और ब्रेक टेस्ट नहीं किया था मैंने उसका, क्योंकि वो रोड कुछ ऐसा ही था इसलिए मैंने उस पर ब्रेक टेस्ट नहीं किया उसका। और मेरे से जितनी भी गलतियाँ रह गई हों, और आपको लगता है कि मेरे से ये वाली गलतियाँ रह गई हैं, उनको मेरे को कमेंट करके बता देना। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू था, अगर आपको मेरा ये वाला रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, जिससे कि औरों को भी पता चल जाए कि RTR 180 BS6 कैसी है और लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, उनके लिए सूटेबल है या नहीं। हमारे लिए तो सूटेबल थी, क्योंकि ये बजट सेगमेंट स्पोर्ट बाइक है, इसलिए तो हम इसी को लेके आए थे। और मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय बाय।